अब हम मैम का फेशियल हो चुका है डन। एक लो इम्पैक्ट देगा ये उनकी स्किन पे काफी अच्छा। और आज खाने में बना है प्रीशा का फेवरेट, बनी है प्रीशा की फेवरेट दाल मखनी, सिरके वाले प्याज और लस्सी। और अभी हम खाना खा रहे हैं और डम्मी को खिला दिया है। हाँ पहले खाना खा ले फिर ना ले फिर मेरे साथ चलना, आज मैं कहाँ लेके जाऊंगी तुझे पता है। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपना बाल करवाने जा रही हूं पेस्टल पर। प्रिंसा देखिए तो कितनी काली दिख रही है। ये मेरे को चश्मे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों क्या दिक्कत है? देख मेरे से बॉयज वाले ब्लू ब्लू। बॉयज वाले नहीं है तू अपनी पसंद से लेके आई थी। अरे मेरे को बस ये पिजियाल अच्छा लगा था जिसमें कोई शेड ही नहीं थी। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं, एक मिनट दो मिनट लगेंगे हमारे और वहाँ जाके फिर व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। हम जा रहे हैं सैलून और मेरे बाल होएंगे आज पेस्टल पर्पल। पर्पल करवाओगी? हाँ पेस्टल पर्पल कलर। तो प्रीशा का भी हेयर कट वगैरह करवाएंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में और लोकेशन बता देती हूँ आपको जाने के बाद कहाँ पे और कैसे आपको आना है। ठीक है पैर पोछ रहे सीट पकड़ बैठा का तेरे नाम का। अरे पहले सीट साफ तो करने दे प्रीशा, उठे एक बार। आवे तने खोलनी अटा, इतनी बार का काम नहीं होता है। तो अभी मैं आपको एंट्री बताती हूँ जो सैलून की है, पीछे देख रहे हो ये है TDI और आप सीधा आ सकते हो मित्तल मेगा मॉल से। नियर बाय आपका पड़ेगा 24 सेक्टर, पीछे 24 सेक्टर है। अगर आप राइट साइड से आते हो तो ऊजा रोड पड़ेगा और आते TDI है। इसके अंदर आपको एंट्री करनी है और मार्केट में जो सैलून है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है एंट्री जो मैं दिखा रही थी और साथ में अगर आप आते हो बर्गर सिंह पे तो इसी मार्केट में ये सैलून है, ये देख लो सामने। और अभी हम जा रहे हैं सैलून के अंदर। तो ये है एंट्री। हाँ एसी चल रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ की जो ओनर है उनसे मिलवाती हूँ। ये है यहाँ की ओनर शिवानी और अभी शिवानी को मैं दिखाऊंगी भाई फेस पे क्या कराऊं क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस चीज का और कुछ टाइम से बाल मेरे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो इसके लिए भी आप बताओ देखो क्या करना है। बिल्कुल एक तो ना देखो ड्राइनेस बहुत ज्यादा बिल्कुल, मतलब ऑयल वगैरह भी अगर मैं लगाती हूँ और हेयर वॉश करते हैं मतलब बाल ना ऐसे सॉफ्ट नहीं होते बिल्कुल भी। और दूसरा ऐसा कि मेरे को ना डेली वॉश करने पड़ते हैं हेयर, जैसे स्कैल्प में ना ये लगता मुझे कि बहुत सारा ऑयल लगा के रखा है तो ये बहुत ज्यादा चीज है। ठीक है तो इसके लिए बताओ मुझे। जी जी इसके लिए भी हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम इसमें हेयर पे? नहीं बाकी तो फिलहाल यही है मैं चाहती हूँ क्योंकि ये देखो पूछ सी लगड़गी ना या मना बड़ी ठीक है थोड़ी ठीक हो जाए। हाँ जी हाँ जी जैसे कई बार क्या होता है फेस पे ना यहाँ पे पिंपल हो जाते हैं या हल्के हल्के ऐसे महसूस होता है जो उसके लिए भी हाइड्रा ट्रीटमेंट्स है। ABC उसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक अलग अलग उसके फेस वाइज तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लाइक रिलैक्समेंट भी है, एक होता है ना कि नहीं कई बार क्या करते हैं फेशियल्स में क्या करते हैं लाइक वो रगड़ा मारते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। स्किन को मर्जिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं क्रीम करते हैं कुछ भी करते हैं तो लाइक स्किन और हेयर्स में मर्जिंग बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं चलेगा और लाइक रिलैक्समेंट बहुत जरूरी है तो ये चीज हम आपका करेंगे। तो लाइक पहले हाइड्रा फेशियल से स्टार्ट करते हैं। वो आप देखो जो अच्छा है उस चीज का मुझे नॉलेज है नहीं। जी जी अब हम आपका करेंगे हाइड्रा फेशियल। लाइक इसमें क्या है इसमें 3 रेगेंट्स आते हैं ABC
इसमें तीन लिक्विड्स हैं, लाइक इसके लिए अलग अलग स्किन टाइप्स में भी है, जैसे मैम की सेंसिटिव है, रेडनेस आ जाती है तो उसके लिए है। और लाइक इसमें ये 7 स्टेप्स आते हैं, हर स्टेप्स का अलग अलग है। ये रबर का वर्किंग है, लाइक ये जैसे उनकी डेड स्किन है सारी ये निकाल देगा। उसके बाद ये स्प्रे होता है, जैसे ये लाइक टोनर लाइक, तो उसके बाद है, उसके बाद ये पेनिट्रेट करता है स्किन को, रिंकल्स रिमूव करता है, लाइक सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कोई भी रेडनेस आ जाती है वर्किंग करते के दौरान, लास्ट में एंड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ये रिमर है, ये क्या करता है कूल मिंट है। इसमें लाइक जैसे बर्फ का तरीका होता है उससे सिकाई करते हैं तो वो लाइट। और उसके बाद भी हमारा मास्क आता है, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ये मैं दिखा देती हूँ। इसमें ये अलग अलग कलर्स है, ये रेड टोन में आ जाता है, और अगर हम इसको फ्लैश करते हैं तो इसमें 7 कलर्स आ जाते हैं। सब कलर का अपना अपना बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, जो भी मैम ने प्रोडक्ट या सनस्क्रीन या कुछ भी लगा रखा है उसको हम क्लीन करेंगे। उसके लिए ज़्यादा तेज हाथ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, लाइक उसके लिए करिएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, लाइक मैम के फेस पे जो भी सनस्क्रीन वगैरह लगा रखी है या कोई भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट लगा रखा है उसको हम रिमूव करेंगे, और बिल्कुल लाइट हाथ रखेंगे, कोई मतलब तेज हाथ नहीं करना। और नेक को भी हम साथ में ही लेंगे। नेक को क्यों लेंगे, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम, स्किन में तो कर लेते हैं, स्किन हम क्लियर कर लेते हैं, बट नेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्किन का ही पार्ट होता है नेक भी। अब हम करेंगे मैम के ऊपर स्क्रबिंग, लाइक उससे क्या होगा मैम के जो ब्लैकहेड्स हैं, ओपन पोर्स हैं, या फिर डस्ट जो स्किन के अंदर मर्ज हो जाती है वो सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी गंदगी है, जो भी हम डस्ट वगैरह है, वो सारी की सारी इनकी बाहर निकल जाएगी, ताकि जो हम आगे क्रीम एंड जेल मसाज है वो इसके अंदर, स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज हो सके। ये हम कर रहे हैं रबिंग, इसमें क्या होगा जो भी डेड स्किन्स वगैरह होगी वो सारी चीज़ें इनमें मर्ज होती रहेगी। और लाइक रबिंग में क्या होता है, हम कभी भी नॉर्मल डायरेक्ट स्किन पे नहीं करना, उसमें कोई प्रोडक्ट मर्जिंग करके ही उनका करता है। क्या था? ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसे लगा मेरा फेस ना फ्रिज के अंदर है जहाँ पे बर्फ जमा के रखते हैं। एक्चुअली समर्स में क्या होता है, हमें इतना स्किन को ठंडा इफेक्ट देना होता है, रेडनेस आ जाती है जैसे एकदम से आइसक्रीम खा जाते हैं ज्यादा परेशान, वैसा ही लगता है ठंडा ठंडा खानी जाती गई बात। मेरे दांत चले को दबा पूरा खा ये क्या पिंपल बना दिए, पता नहीं क्या आ गया, क्या पता क्या हो जाएगा, है ना, बहुत मोटे मोटे हैं। हाँ, बहुत मोटे मोटे पिंपल्स बन गए, मैं तो वीडियो में देखूंगी पिंपल के ऊपर और पिंपल। अब हम मैम के स्किन पे लगाएंगे शाइन पैक, लाइक जो डैमेज स्किन है, जो एक्ने एंड सनबर्न हुआ था मैम को, उससे काफी अच्छा प्रोटेक्ट होगा। इनकी स्किन फेयरनेस एंड ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। हाँ, शाइन पैक हमने रिमूव कर दिया है, आप डिफरेंस देख सकते हैं कलर चेंजिंग का, लाइक ये देखिए इस साइड मैम के हैंड एंड लाइक ये वाला पार्ट, बहुत फर्क आ चुका है। अब हम इस पर स्प्रे करेंगे, लाइक जो पोर्स वगैरह इनके ओपन हुए थे वो सारे ही रिमूव हो जाएंगे, और लाइक टोनिंग एक ग्लो इम्पैक्ट देगा ये उनकी स्किन पे काफ़ी अच्छा। लाइक अब जेल से करेंगे, जैसे मिंट लाइक लगा लो, मिंट जेल है, उससे क्या होगा जो भी इनकी रेडनेस आई होगी या फिर कुछ भी ऐसा आया होगा वो उनको क्लियर कर देगा। अब इसका वर्किंग है आरएफ, मतलब ये क्या करेगा, आपके जो रिंकल्स हैं, पोर्स हैं, उनको मिनिमाइज करेगा, और ब्लेमिशेस की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिनिमाइज करते हैं। अब हम क्रीम से मर्जिंग करेंगे, क्योंकि मैम की ना ही तो स्किन ऑयली है और ना ही तो स्किन इनकी ड्राई, तो हम क्या करेंगे क्रीम के ऊपर ही मर्जिंग करेंगे।
और अल्ट्रासाउंड इसमें एक इफेक्ट आता है 7 स्ट्रिप्स में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये अल्ट्रासाउंड है, इसमें टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग होगा, जो भी फ्रिजीनेस जो भी है स्किन पे वो चीज प्रोटेक्ट होगी। अब हम करेंगे मैम के फेस मसाज, क्योंकि देखो जितना भी कह लो मशीन का वर्क ही रहता है, लेकिन जब तक हाथों का जादू ना हो जब तक फायदा नहीं है। अब मैम की फेस मसाज हो चुकी है, अब हम मैम को फेस पैक लगाएंगे टाइटनिंग के लिए। फेस पैक को हमेशा ऊपर की तरफ लगाना है, जिनको भी टाइटनिंग की प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो, तो जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको हमेशा ऊपर की तरफ मर्ज करो, नीचे करने से स्किन लूज बहुत जल्दी होती है। पूरा वाइट हो गया मेरा फेस। राइट, जो हम अब मास्क लगाएंगे वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट करेंगे पहले ये क्या है स्किन को अब हम मास्क लगाएंगे, इसमें हम अपना टेम्परेचर सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये देखिए, हमने 10 का टेम्परेचर कर लिया है, एंड इसमें फ्लैश होता है, इसमें 1 कलर चलता है, इसमें 7 कलर्स आ जाते हैं फ्लैश। लाइक ये, अगर हम सिंगल कलर रखें तो लाइक ये चीज, और अगर हम फ्लैश करते हैं तो इसमें अलग अलग कलर्स आ जाएंगे, लाइक ब्लू ग्रीन, हर कलर्स के अपने अपने इफेक्ट्स हैं। और देन हम इसमें फेस पे अप्लाई करेंगे। कैसे लगा मैम आपको? ठीक है, रिलैक्समेंट वगैरह सब कुछ? जी जी। अब हम मैम का फेशियल हो चुका है डन, एंड पैक रिमूव करेंगे। मजा सा। अब हम मैम का हेड वॉश करा रहे हैं लाइक बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उनके जो रफनेस हेयर है एंड शाइन खत्म हो गई है, वो सारी चीजें इनको वापस कर जाए। छोटू सिंह बताया उसको दीदी को, जल्दी जाओ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी इधर नहीं वो कह रहे थे दो। फिर तू बोलता, तू कह रही थी मुझे 2 खाने छोटू सिंह, फिर दोबारा थोड़ी ना आएंगे, दीदी को बोल के मेरे लिए 2 खा भी लूंगा मैं। अरे अंदर तो खुद कह रही थी, तूने खुद तो बोला कि एक में तो मेरा पेट नहीं भरा, अपने परसों मंगवाई तो मुझे आज 2 खाने हैं। मैं तभी आई हूं। पप्पा आ गया तेरा, मन लग गया ना। बर्गर के साथ वो आ जाएगा ना पूरा मंगवा के, इमन ने ना मेरा उसका बता दीदी तक जूने सा खाना या ना बता मेरे तक। इधर 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 चलो, इधर फटो अभी इंटरव्यू लेके बता देगा। कौन सी क्लास का? इसने बोला था ना अंदर के 2 चाहिए मुझे बर्गर, अब कह रही नहीं मुझे तो 1 ही खाना है। हम तो 2 मंगाएंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी क्या? कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं लेता, जाओ उसको मैं क्या तो ड्रिंक जा परेशान। क्या क्या पीएंगे तुम्हें बताओ, गिन गिन के पीना है।
प्राइस वो प्राइस कौन से क्लासिकल डांसर पहले क्लासिकल डांस करते तो देते हैं वो ऐसे नहीं देते वो ऐसे नहीं देते वो प्राइस नहीं देते मुझे प्राइस वाले नहीं सिंगिंग में प्राइस नहीं देते वो जब तक आप ऐसे ऐसे करते देखो फिर मैं मंगवाऊंगी पक्का करके मैं दिखाऊं मैं भी करूंगी फिर वो मना कर देंगे फिर वो क्लासिक नहीं देंगे नॉर्मल देंगे फिर वो नॉर्मल वो आलू छील के दे देते बस क्लासिकल में वो डांस करके दिखाना पड़ता है ना उन्हें वो वीडियो पहले वहाँ भेजेंगे तब अप्रूव होगी तब मिलेगी ऐसा कब से होने लगा जी कल अपडेट हुआ है कल परसों आपने खाया होगा ना तो कल हुआ कल शाम को जोमेटो पे भी हुआ है करो ट्राई करो देखो पहले वो अब ना उसके अंदर रेफरल कोड के साथ ना वो आएगा कि पहले वीडियो का ऑप्शन आ गया उसके अंदर वो भेजना पड़ेगा क्लासिकल के लिए हो गए आप रेगुलर मंगवाओगे ना तो रेगुलर डांस दिखाना पड़ेगा उन्हें नॉर्मल बट अगर क्लासिकल और हिप हॉप फ्राइज खाने हैं तो करना पड़ेगा बनाओ वीडियो बनाओ ये तो खड़े खड़े में ही होगा सारा इधर ले आओ बैक साइड में हेड डाउन करो आगे की तरफ बच्चे आगे वेरी गुड हल्के से करना दिखा देता हूँ मैम जी आपको देखो ना ना ये तो है, ये मैं भी इतने नहीं कटेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला है फिर ना काटो ना पीछे से क्या बात कर रहे हो जरूरी है ड्राई तो है ही ना ये चीज देखो बिल्कुल कम से कम इतना हेयर ड्राई है गुड़िया का लेकिन मैं तो फिर भी इतने कट कर लो इतने कर दो तो छह महीने मैं तो सोच रहा था आप डोनेट कर रहे हो किसी को अपने वीडियो बनवा के ये देखो मैं अपने बाल किसी को डोनेट कर रही हूँ कोई बच्चे के बाल नहीं बढ़ते और आप हंस रहे हो थोड़े से ही कटा के हेड डाउन करो आगे आगे वेरी गुड इधर दिखाओ इधर फ्रेंड उनके ऐसे नहीं बीच में से ऐसे हैं मुझे तो ऐसे उनका लग रहा ठीक है अच्छे लगे वो पैक करके अपनी फ्रेंड के पास भेज देना नहीं वो देख
कितने लंबे लंबे सारे कट गए। अब कह दो लोगों को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब देंगे तो बोल पर अगला कैसा देखे समझ में ना आया तो तुम्हें बोल ले। ये मेरे बाल है ये हां कैसे क्या सबूत है मेरे को नहीं पता क्या सबूत है आपके बाल है ये नहीं है क्या सबूत है आपके बाल है ये इतने लंबे हैं मेरे आगे कहां लंबे देखो आपके तो इतने लंबे बाल हैं तो छोटे से क्या सबूत है आपके बाल कट दे। तो सबसे पहले तो प्रीशा को देख लो देखो हेयर कट करा दिया इसका ठीक है और प्रीशा का हेयर कट कैसा लगा वो कमेंट जरूर करना चलो साइड में लेकर जा। और उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूंगी जैसे कि आज शिवानी के सैलून आई थी और जब मैं आई सच बता रही हूँ चीजें मेरे बाल इतने खराब हो चुके थे कि मेरा मन था मैं आई तो बिल्कुल हेयर कट कराने के लिए थी कि छोटे छोटे कर दूं क्योंकि बहुत डैमेज हो चुके थे लेकिन शिवानी ने बोला कि उसका और भी कोई ट्रीटमेंट है जो बगैर आप अपने बाल कटवाए बगैर उसको अच्छे से मतलब साइन आ सकती है बाल में और वो ट्रीटमेंट आज किया और देखो कितने अच्छे बाल हैं मेरे और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने बाल स्किन पे भी ज्यादा प्यारे हैं मेरे बाल बच गए कटुंते और बिल्कुल शाइन है और इसका पूरा क्रेडिट जाएगा शिवानी और उनकी टीम को सच में काम बहुत अच्छा किया और जो भी फेशियल मैंने आज कराया है उसकी पूरी वीडियो मैंने डाल ली है सारे स्टेप बताए हैं शिवानी ने। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो मेरा नाम लोगे तब भी कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सर्विस बहुत अच्छी है स्टाफ बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है और इनका एक और ऑफर है जिसपे 50% डिस्काउंट है वो शिवानी बताएगी आपको। जो भी आप जैसे लेडीज स्पेशली जो भी आप बेसिक सर्विसेज करते हैं जैसे लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल्स वैक्सिंग हेयर स्पा जो भी है उसमें सब सभी चीजों में आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो इतना बढ़िया ऑफर है जी जल्दी आओ और ये लोकेशन है मैंने आपको बता भी दिया दोबारा फिर बता देती हूँ ये है TDI में सेक्टर 23 और डिस्क्रिप्शन में मैं शिवानी का कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगी जो भी पानीपत से हैं या भैया आसपास के हैं आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और शिवानी के पास आ सकते हो सच में इनका बहुत अच्छा काम और मैं तो भाई अब आज तो पहली बार आई हूँ लेकिन अब मैं आगे आती भी रहूंगी और अभी घर जाने का भी टाइम हो गया चल ले भाग ले और रोटी नहीं बनानी जा रहा चल रस्तु बनाइए।